इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? मुंबई से सिर्फ इतना बताइए कि एशियन टेलीकॉम को क्यों ज्वाइन करें? सर, अगर किसी को लाइफ में परफेक्ट बनना है, किसी को कुछ करना लाइफ में आगे चल के, तो बिल्कुल एशिया टेलीकॉम आके ज्वाइन करिए। अगर किसी को करने की इच्छा है तो मतलब क्योंकि सिखाते तो सभी हैं, तो सिर्फ की खाली एशिया टेलीकॉम के बारे में पूछा था कि यहाँ पर क्या आपको ऐसा खास लगा, एक खास चीज बताओ। यहाँ पर सिखाता हर कोई, लेकिन हर कोई अपने शॉर्ट फॉर्म में सिखाता, बट यहाँ पे डीपली सिखाया जाता है, ए टू जेड से सिखाया जाता है। अच्छा, हर कोई शॉर्ट फॉर्म में सिखाया जाता है, वो जाके वहाँ पे आधा ज्ञान लेगा तो आधा ज्ञान से काम नहीं हो सकता ना, इसलिए। तो आपके नोट्स भी प्रॉपर है और स्कीमेटिक भी लेके जा रहे हो, यूएफआई भी लेके जा रहे हो, इसलिए आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करो। ठीक है, थोड़ा सा बता दीजिए क्यों एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें? सर, मैं भी बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैं तो किसी भी के बारे में कुछ नहीं जानता था, किसी भी होता क्या है, मोबाइल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मैं मेरे साथ एक भाई हैं जो आ रहे थे यहाँ सीखने के लिए, तो मैं उनके साथ बात किया कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी ले चलो। तो वो एशिया टेलीकॉम के बारे में बताए मुझे कि यूट्यूब पे देखे हैं, तो मैंने बोला कि आपको भरोसा है तो मैं भी साथ में चलता हूँ। मैं यहाँ आया, पहली बार आया, कभी किसी इंस्टीट्यूट में कभी ज्वाइन नहीं किया, कुछ जानता नहीं था। यहाँ आने के बाद मुझे सारी पढ़ाई हुई, सब चीज़ की सेक्शन के बारे में नॉलेज हुई, कि बहुत सारे पहले से जो मिस्त्री हैं, जो भी टेक्नीशियन है, जो पहले से जानते हैं बोर्ड में क्या क्या काम करना है, किस सेक्शन में, उन्हें पता हो कि ना हो पता नहीं। मुझे यहाँ आने के बाद मैं तो जान गया कि आईसी के नीचे कितने सारे जीआर होते हैं, कहाँ कहाँ एन सिग्नल जाता है, कहाँ कहाँ कमांड की सिग्नल जाती है, बहुत कुछ यहाँ पर नॉलेज मिला हमें। और अगर किसी नए स्टूडेंट को भी अगर सीखना है तो बेहिचक यहाँ पे ज्वाइन करें। मेरा तो गुड लक है कि मैंने अपना पहला कदम उठाया टेक्नीशियन बनने के सोचा जो, तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया सर। मैं अगर किसी और इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करता तो पता नहीं, वहाँ इंडिया में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि सर कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से क्या शिक्षा मिलता पता नहीं, एशिया टेलीकॉम में बहुत अच्छा शिक्षा मिलता सर। हर एक सर अपना 100% देते हैं। दुर्गेश सर हम सॉफ्टवेयर के मास्टर हैं, फिरोज सर हार्डवेयर के हैं, तो सभी ऑलराउंडर हैं, लेकिन अपने अपने सेक्शन को जो पढ़ाते हैं यहाँ पे 100% देते हैं सर। ठीक है, चलिए। क्यों ज्वाइन करें, क्या खास है यहाँ? जी सर, टोटल तो हम तो ऐसे मतलब बयान भी नहीं कर पाएंगे क्या खास है सर ऐसा। मतलब हम जब 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ सर, पीसीबी क्या है मुझे पता नहीं था, मैं काम कर रहा था, लेकिन हाँ फोल्ड आया या डेड फोल्ड आया या कंपोनेंट निकाल दो, हो गया फोल्ड, हमें पता कुछ भी नहीं था सर कि अभी। लेकिन यहाँ आए सर, सेक्शन वाइज जो पढ़ाए सर, डिटेलिंग सर, पूरा नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज दिए हैं सर हर सेक्शन का। और यहाँ जो स्टूडेंट आना चाहता है बेझिझक, और कहीं मत जाइए, जिसको लाइफ में अगर कुछ भी बनना है तो इधर ही आइए, लाइफ में वो सक्सेस ही बनेगा सर। मैं यही सोच के आया था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं जहाँ रहता हूँ, जो मेरा वहाँ का काम कर रहे हैं, तो मैं वहाँ का एक नंबर बन के जाऊँगा, इसलिए एशिया टेलीकॉम में चुना था सर, और मेरे लिए बेस्ट ही हुआ सर। थैंक यू। हम कोई ज्वाइन करना चाहता है तो क्या खास है यहाँ पे, क्यों ज्वाइन करें? जी सर, पहली बात तो है कि मैं बिल्कुल फ्रेशर था और कभी SMD भी नहीं पकड़ा था ना, शोल्डर इंगन पकड़ा था, लेकिन यहाँ पे आके मालूम पड़ा कि उसका टेम्परेचर क्या सेट करना चाहिए, शोल्डर इंगन को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। और सर अभी है ना, इतना परफेक्ट हो गया हो कि मैं पेस्टेड IC भी निकाल रहा हूँ और एक बार के अंदर मेरा रिवॉल्व हो जा रहा है। और सर इधर पूरा बेसिक नॉलेज दी गई, और क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ तो सर मेरा अभी बेसिक पूरा क्लियर हो चुका है, कंपोनेंट्स के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई। और देव सर, सर बहुत ज़बरदस्त सर IC के बारे में पूरी डिटेलिंग करवाते हैं, उसके एक एक GR सर अभी मैं जान सकता हूँ कि उसके GRs क्या होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे जो 10-10 साल से 15-15 साल से काम कर रहे हैं, हालांकि उनको बता भी नहीं होगा कि अभी IC के नीचे के GR भी होते हैं। हालांकि मैं फ्रेशर हो गया सर, मैं अभी उनको बता सकता हूँ कि इसके अंदर GR भी होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां के लिए। आप बता दीजिए कि एशिया टेलीकॉम कोई ज्वाइन करना चाहता है तो क्यों करेगा? सर, मेरा नाम अविनाश गुप्ता है, मैं नागपुर से हूँ। और सर एशिया टेलीकॉम मैंने इसलिए चुना था कि मुझे बहुत परफेक्ट लगा यहाँ का पढ़ाने का सर का जो तरीका है, और यहाँ की जो नॉलेज है वो बहुत बेस्ट है। और मुझे इसके पहले मैं 8-10 साल से जो काम कर रहा था, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैं तो 10 साल से बस टाइम पास कर रहा था, अपनी ज़िंदगी के काट रहा था। यहाँ आने के बाद जो नॉलेज मिला, जो ज्ञान मिला, उससे मैं परफेक्ट काम कर सकता हूँ। और यही बोलना चाहूँगा, जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी लड़के हैं, आँख बंद करके यहाँ आइए, जैसे मैंने भरोसा विश्वास करके यहाँ जो ज्ञान लेके जा रहा हूँ, आप भी लेके जाइए। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आप बता दीजिए एशिया टेलीकॉम क्यों ज्वाइन करें, क्या खास है? सर यहाँ पर मतलब मैं 1 साल से काम करता था, तो मुझे पता नहीं जैसे कोई फॉल्ट आया कोई फ़ोन में, तो आगे पता नहीं चलता कि करना क्या है। जैसे कि कोई फ़ोन आया डेड आया, तो उसमें से हम लोग नॉर्मल मतलब टुक्काबाजी का काम होता है ना सर, उसी तरह नॉर्मल सब करते थे, हम भी लोग वही करते थे। तो यहाँ आकर पता चला कि मतलब कोई फ़ोन शॉर्ट आया या क्या है, डेड आया, तो उसमें चेक क्या करना है, कैसे करना है,
स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और यहाँ के सर जितने भी सारे सर हैं वहाँ पर अपना 100% देते हैं। अब यहाँ के स्टूडेंट का ऊपर है वो कितने परसेंट वहाँ यहाँ से जाकर उनको मेहनत करना पड़ेगा कि कितना वो उसका ऊपर है कि मेहनत करेगा तो भी उतना ही पाएगा। सही कह रहे हैं। टेलीकॉम क्यों ज्वाइन करना पड़ेगा? यहाँ से जो करा लाइव थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ हो जाए, यहाँ बहुत बढ़िया सिखाते हैं। नहीं आ रहा तो आप कितनी बार पूछिए सब कुछ हो जाते हैं। कितनी बार पूछो बताते हैं। और जो पहुँच कैसे मिला? जी सर बहुत ज़्यादा मिले सर। मैं मोहम्मद शारिक मैं लखनऊ से हूँ। एशिया टेलीकॉम क्यों ज्वाइन करना, कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है तो ये बता दीजिए। सर सिखाने की टेक्निक हर चीज़ एक प्रॉपर वे में बताई जाती है, जिससे इजीली एक टेक्निक होती है कि कम समय में और सीखनी का काम करना बताया जाता है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बेस्ट मिलती हैं। हम लोग कोई भी चीज़ हो, कोई भी सेक्शन हो, प्रॉपर नॉलेज दी जाती है उसकी हम लोग को। सेक्शन हर सेक्शन ए से लेकर जेड तक, चाहे वो उसका कंपोनेंट की बात कर ले, उसकी आईसी की बात कर लें, हर चीज़ की प्रॉपर नॉलेज दी जाती है कि मतलब आगे जाके प्रॉपरली वर्क कर पाए। थोड़ा जोर से बोलो। क्यों ज्वाइन करें, क्या खास है यहाँ पे? सर यहाँ सर ट्रेसिंग नॉलेज है सर, ऐसी पैसा ये करना क्या है सब क्षेत्र कुछ भी नहीं आता सर। पहले बेसिक भी चाहते थे ट्रेसिंग करना, सर्क्यूट का नॉलेज भी नहीं मालूम था। फ्लैशिंग भी थोड़ा बहुत सर होता परफेक्ट नहीं था, ऐसे रिवॉल्विंग सब परफेक्ट हो रहा है। आप कहीं भी आना निंदा था जानकारी। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर, तो आप ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम क्यों कोई स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहता है तो क्या क्या खास लगा आपको? यहाँ पर सिखाने का जो नॉलेज है बहुत तरीका है वो बहुत अच्छा बनाया। मैं भी 6 साल से काम कर रहा था और मुझे इतना भी नहीं कर पाता था मैं, तो यहाँ आने के बाद मैंने फिर भी मतलब सिखाने का जो है मैं जो सीखा था वो एकदम जीरो है। तो यहाँ पर सीखने वाले बहुत अच्छे तरह से सिखाते हैं, मैंने वो जिसको सीखना भी है वो वहाँ का जो सीखो बहुत बढ़िया से सिखाते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसे टेलीकॉम क्यों ज्वाइन करते हैं? सर एक किसी को परफेक्ट तरीके से नॉलेज लेकर काम करना है तो ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे टेलीकॉम क्यों ज्वाइन करें? मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से सर। ओके। जो सर पूरे दिल से सीखना चाहता है, सिर्फ टाइम पास के लिए पूरा सीखना चाहता है, वो बिंदास ज्वाइन करें सर। बिल्कुल सर। हाँ सर। तो आने वाले स्टूडेंट को क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना? जो नए हैं ऐसा मत सोचो कि नए हम कैसे जाए उधर कुछ सीखने मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। सभी को एक ही तरीके से सिखाया जाता है इधर। नए कुछ नहीं, 12-13 साल 15 साल कुछ नहीं, इधर सबको एक ही जगह मिलता है, एक ही ट्रेनिंग मिलती है, एक ही थे और वो भी 12 साल से आगे बढ़ रहे हैं नए खिलाड़ी से। बोलना चाहेंगे सर, मैं MP से हूँ और जिसको प्रॉपर नॉलेज अच्छे से एकदम सीखना है वो ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकता है सर, बिंदास। तो जो आप बातें बोल रहे हैं क्या वो एक्चुअल में सही बोल रहे हैं आप कि आपको वो मिला तब तो आप किसी आने वाले स्टूडेंट को बोलेंगे? सर मैं पहले PCB परफेक्ट तो जानते नहीं सर, प्रेशर एकदम नॉर्मल PCB खोलता रहा था, इतना सारा क्या लगा। अब अगर मैं खोलता हूँ ना तो सर किस सेक्शन में क्या लगा ये मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल फाइन कर सकता हूँ वोल्टेज मतलब के बारे में, काम भी क्या करता है सब चीज़ जो वोल्टेज दिया सारी चीज़ें बता देते कौन सी लाइन सप्लाई बना ले। हाँ पूरी सर। तो इसीलिए ऐसे टेलीकॉम को जो आना चाहते हैं वो बिल्कुल ज्वाइन करें या ना करें? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप सर, ये समुद्र है सर, आप जितना यहाँ से लेके जा सकते हो उतना आपकी कैपेबिलिटी है। मेरे लिए तो सर ये बहुत ऐसा भगवान हो गए सर, आप सब टीचर्स में इंडिया। मेरा नाम है सर, मैं अपने दुकान पे 2-3 साल से काम करता था लेकिन कोई वाजिब पे मतलब एक ट्रिक नहीं पता था, काम तो हो रहा था पर क्यों हो रहा था और उसका रीजन नहीं पता था सर, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला क्या सर क्या लाइन है क्या सप्लाईओं का नॉलेज, अगर वो लाइन जा रही है तो हमने जब काम किया तो क्यों हो गया, वोल्टेज आ रहा था EN सिग्नल की लाइन थी, समझ में आ रहा है सर? सर सारी GR और वोल्टेज के बारे में जानकारी मिल रही है। तो जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं उसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि सर जो यहाँ पे आए बेफिक्र आना चाहिए। चलिए थैंक यू। थैंक यू। मैं राजस्थान से हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेशर था। अच्छा। यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ मिला मेरे को, ऐसे के बारे में नॉलेज हुआ, सब कुछ सेक्शन के बारे में नॉलेज हुआ और बहुत अच्छा मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा आप जैसे कि आपने बताया कि आप एकदम फ्रेशर हैं, आपके साथ कुछ ऐसे भी टेक्नीशियन दोस्त हैं आपके कि जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है क्या उनको कुछ अलग बताया जा रहा है या फिर आपको कुछ अलग बताया गया? नहीं नहीं सबको एक ही जैसा रखा जा रहा है,
उनको बताया जा रहा है, वो हमको भी बताया जा रहा है, फ्रेशर को भी वैसा का वैसा बताया जा रहा है, और जो पहले से काम करते हैं उनको भी ऐसा वैसा बताया जा रहा है। तो क्या बोलना चाहेंगे जो एज अ फ्रेशर है जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं फ्रेशर होंगे या पहले से काम कर रहे होंगे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सर के, मतलब मैं आया था, मैं वीडियो देख के आया था, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को ये बहुत बहुत अच्छा नॉलेज मिला। आप बेझिझक आ सकते हैं। जो तुम अभी जो बोल रहे हो, तो हम आपका रिव्यू हम अगर इसमें फेसबुक पे डालें या यूट्यूब पे डालें, तो स्टूडेंट को आने के लिए कैसा रहेगा? आप एक उदाहरण बनना चाहेंगे आप उसके अंदर? सर मैं मन से बोल रहा हूँ। हाँ। आप मेरे को कोई किसी ने फोर्स नहीं किया कि आपको बोलने के लिए कि ये बोलो, मैं मेरे मन से बोल रहा हूँ और मैं मन से बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसलिए बार बार इसलिए पूछा जा रहा है क्यों ज्वाइन करें क्यों ज्वाइन करें। अगर हम रिव्यू लेंगे तो वो तो बात की बात है कि आपने सीखा है तो बोलेंगे, पर क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि जैसे आपके जैसे और कई टेक्नीशियन हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं एक अच्छा इंस्टीट्यूट, कि हमें कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके लिए आप उनको मैसेज दीजिए कि क्या एक्चुअल में इंस्टीट्यूट आपने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया तो क्यों ज्वाइन करें, वही आपसे पूछा जा रहा है। मैं सर राजस्थान से हूँ। एशिया टेलीकॉम इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि आप यदि कुछ सीखना चाहते रियल में, यदि टाइम पास नहीं करना चाहते तो बिल्कुल यहाँ पे आके बेझिझक सीखिए। और मैं भी फ्रेशर हूँ बिल्कुल, मैंने मुझे यहाँ तक कि मुझे आयरन क्या होता है, सोल्डर क्या होता है, ये मशीन क्या है, मुझे कंपोनेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ पे आकर मुझे इतना बहुत कुछ बताया गया कि मैं सब कुछ इनके बारे में जान गया। और जितने भी मेरे साथ में भाई लोग आए, कोई 12 साल से काम कर रहा है, कोई कितने साल से काम कर रहा है, लेकिन आज मैं उनके सामने खड़ा रह के ये कह सकता हूँ कि मैं भी तेरे समान हूँ बराबर। और सर बिल्कुल, तो ये दिल से बोल रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं मेरे अंदर आत्मा से कह रहा हूँ सर। चलिए थैंक यू आपके लिए। जो आना चाहते हैं टेलीकॉम को ज्वाइन करना चाहते हैं? मेरा नाम प्रवीण चौधरी है, मैं पल्ली राजस्थान से आया हूँ जी। तो सर मैं अपने आपके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं 2 साल से काम कर रहा था, लेकिन जहाँ पे अटक जाता था, चार्जिंग ये कॉम्बो वगैरह लगा लेता था, चार्जिंग सॉकेट नॉर्मल काम कर लेता था, जहाँ पे अटक जाता था आईसी वगैरह में, तो दूसरी दुकानदार के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा सर। अब नहीं जाना पड़ेगा, अगर वही दुकानदार आपके पास आए तो कॉन्फिडेंट के साथ आप उनका काम कर सकते हैं, उनका काम करके दे सकते। चौधरी तुम अटक रहे हो, ऐसे बहुत से स्टूडेंट और अटक रहे हैं, मतलब जो वहाँ पर दुकान खोल के बैठे हैं वो अटक रहे हैं, तो उनके लिए क्या बोलोगे आप? तो मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ सर, मैं खुद आया हूँ तो उनको भी आना। हाँ, आना चाहिए ना उन्हें। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये एक ऐसी फील्ड है कि आपको हमेशा अपडेट बने रहना चाहिए, अपडेट के साथ आप नहीं जुड़े रहेंगे तो आप डाउनग्रेड होते जाएंगे और उस फील्ड में आप बहुत ही पीछे हो जाएंगे। तो आप हमेशा कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए तो आप उसको देखिए, जो इनमें रिव्यू आ रहा है हमारा इंस्टीट्यूट का, जो रिव्यू आ रहा है, आप खुद समझदार हैं, आप देख करके समझ सकते हैं। तो ये बताइए कि जैसे टेलीकॉम आप फ्रेशर हैं कि नहीं है और क्यों ज्वाइन करें? सर मैं एक तो फ्रेशर ही हूँ, ठीक है, फ्रेशर ही था नहीं सर कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर मैं करता था लेकिन उस तरह से नहीं जानता था, जो फाइल है वो फाइल कहाँ पे देनी है, क्यों देनी है, अगर इस टूल से नहीं होता है तो उस टूल से हमें करना चाहिए, तो टूलों का नॉलेज मिला। और मैं ये कहना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम क्यों ज्वाइन करना चाहिए, रजिस्टर हमें हर जगह पढ़ाने को मिल जाएगा, रजिस्टर क्या होता है नहीं होता है, लेकिन सर हमें यहाँ पे इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि रजिस्टर हमें ये नहीं पढ़ाया जाता, ये रजिस्टर है ये बोर्ड है, हमें यहाँ पे ये सिखाया जाता है जो यहाँ पे जो हम कोई भी फ़ोन आ जाए, ये नहीं है जो 5G आ जाए, 5G आ जाए, सर्किट आ जाए हमारे आगे, कोई भी सर्किट आपके कहने का मतलब है कुछ भी नया सर्किट आएगा पर रजिस्टर वही होगा, कैपेसिटर वही होगा। और सर पढ़ाने का तरीका जो मैं सर कुछ बोल ही नहीं सकता, जो पढ़ाने क्या मैं सोचता था यहाँ आके मुझे क्या सरों का नॉलेज देख के सर में है। देव सर, देव सर की क्लास में कैसा लगा आपको? सर के नॉलेज जो है ना सर वो इतना ज्यादा है, वो जैसे लगता है पीसीबी को घोल के पी गए हैं। ठीक है, कोई भी सर्किट आ जाएगा तो सर हम जो सर के रेफरेंस से भी आप आए तो दो सर जिनके लिए भी समीर सर के, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर हैं जो समीर सर को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट हम ज्वाइन करें, तो आपने भी कॉल किया था उनको, तो क्या बस छोटा सा एक फीडबैक? सर ने बोला था आप जो है इधर उधर मत जाओ, आपको अगर कुछ सीखना है कुछ करना है अपनी लाइफ में तो आप एशिया टेलीकॉम जाओ, आपको कोई दिक्कत है तो मेरे साथ भी चलो। एक छोटा सा, क्या वो बातें सही निकली या नहीं निकली? सर एकदम सही निकली है सर। चलिए थैंक यू सो मच। प्रतापगढ़ से हूँ, तो सर वो तो क्या होता है मेरी शॉप है 2 साल से, लेकिन मैं चार्जिंग जैक डिस्प्ले यही सब करता था, मुझे आईसी का काम बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन आजकल आईसी काम जो करता है वही सक्सेस होता है, बाकी वैसे तो चार्जिंग जैक तो सभी बदल देते हैं छोटा मोटा काम, लेकिन मैं यहाँ सीखने आया हूँ आईसी का काम और ट्रेसिंग सर, तो मैं ट्रेसिंग कर सकता हूँ, जैसे माइक नहीं चल रहा तो कहाँ से सप्लाई आ रही है, कौन सी सप्लाई आ रही है, ये सब करके मैं उसे फाइंड करके ओके कर सकता हूँ।
और आईसी भी लगा सकता हूँ कि आईसी में कितने जीआर होते हैं, सारे ये सब पता चल सकता है। तो जो एज अ फ्रेशर या फिर जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए, अगर कोई करना चाहता है, दिल से सीखना चाहता है, तो एशिया टेलीकॉम में आए, वरना अगर वो मजाक समझता है तो आए ना, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ना बताओ। अच्छा अच्छा, जैसे आपने दिल का नाम लिया तो दिल से मतलब आपको वो चीज़ मिली कि नहीं मिली? यस सर, बिल्कुल मिली। अगर कोई सीखना चाहता है दिल से तभी आए एशिया टेलीकॉम, क्योंकि खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। दिल के साथ मैं दो चीज़ बोलना चाहूँगा, लगन और मेहनत। अगर ये दो चीज़ भी नहीं है तो आप कितना भी दिल लगाएं, करना है तो बिल्कुल नहीं, हमारे एशिया का नाम ना बदनाम करें हमारे इंस्टीट्यूट। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और हमेशा पहले तो ये हंसते रहते एनी कंडीशन एनी सर्किट, इनका यही की एक्सप्रेशन रहता है। तो चलिए, आप कहाँ से हैं और वो सब क्या बोलना चाहेंगे? सर, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं आप? मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, पर यहाँ पर आने से मैं सात साल का मेरा एक दिन के बराबर भी नहीं। हमको लगता है कि हम एक दिन आए वो मेरा 7 साल के बराबर है। ऐसा है? तो 7 साल में क्या काम कर रहे थे आप? और ये जो आप बोल रहे हैं आपकी 30 दिन की क्लास कम्प्लीट होने जा रही है, कम्प्लीट हुई नहीं है, होने जा रही है जो, तो 30 दिन की क्लास और 7 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं सर? यही तो हमको लगता है 30 दिन जो हम क्लास किए हैं वो मेरा एक दिन के बराबर है। एक दिन के बराबर है, तो मतलब ये 7 साल पहले मिल जाता था तो आप तो बहुत आगे निकल गए आई थिंक। अगर मैं जिस दिन से सोच रहा हूँ कि मैं एशिया टेलीकॉम में ज्वाइन करूँ, उस दिन से मैं अपना क्या बताऊँ सर बोलने के लिए। तो आने वाले फ्रेशर स्टूडेंट को क्या बोला सर? आने वाले स्टूडेंट को हम यही बोलेंगे, अगर खाना जितना स्वादिष्ट खाना खाता है उस हिसाब से उसको अपना सीखने का जगह भी अच्छा तरीका से मतलब कि खोजना चाहिए, चूज कर ले। हाँ, चूज कर ले तो परफेक्ट हो जाएगा। yes. ऐसा ही बोलना चाहते हैं आप? yes. कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप? नहीं सर, थोड़ा चलिए। मैं कभी बोलता नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपसे भी पूछना चाहूंगा जी, तो ऐसे टेलीकॉम बस क्यों ज्वाइन करे, बस आप थोड़ा सा? मैं बस फ्रेशर था बिल्कुल, और मुझे कंपोनेंट और ये सब कोई जानकारी नहीं थी जी जी, और यहाँ आया तो मुझे एक एक लाइन के एक एक कंपोनेंट की पूरी अच्छे से जानकारी दी गई, और आईसी वगैरह पूरा लगाना रिवोल्व करना जो भी है बहुत अच्छे ढंग से सिखाया गया, और यहाँ की टाइमिंग जो है बहुत ही अच्छी है, सुबह 8 से रात के 8 बजे 10 बजे तक, जब तक सेक्शन हमारा खत्म नहीं हो जाता। तो मैंने बहुत जगह ट्राई किया था कि 2 घंटे पढ़ाएंगे 4 घंटे पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आपने इंक्वायरी लिया था तो वो आपने एक माइंड में सेट था कि अगर हमें 2 घंटे जो 8 घंटे पढ़ाया जा रहा है और 2 घंटे में 8 घंटे में कितना फर्क होगा? बहुत फर्क है, और 2 घंटे में कुछ नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि 8 घंटे में आपको कहीं ना कहीं कम लग रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि कहीं और 2 घंटे और मिल जाते, रात को 12-1-2 तक बच जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से आप और दो सब क्या बोलना चाहेंगे? यूपी फैजाबाद से, तो क्या बोलना चाहेंगे दो सब? मैं बहुत दिन से मोबाइल में काम सीखना चाहता था, कई दुकानों पर गया सीखने के लिए, लेकिन वहाँ समझ नहीं आया। दुकानों पे आप गए थे सीखने के लिए? आधा अधूरा काम उनको भी आता था, पूरा काम पता नहीं था किसी को। तब मैंने एशिया टेलीकॉम का वीडियो बहुत पहले से देखा था, मैंने देखते देखते फिर मैंने सोचा जाके और आया सीखा। तो जो आपने सोचा था कि मैं जा रहा हूँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगा, क्या एक्चुअली में आपको मिला कि नहीं? प्रोफेसर स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? कोई भी अगर कहीं सीखना चाहता है यहाँ आके सीख सकता है। अगर खाना खाना भेज दो, हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, और आप तो क्या बोलना चाहेंगे दो सब, बस अपना कहाँ से हैं? सर, हम यूपी लखनऊ से हैं, गोविंद है मेरा नाम जी। सर, मैंने पहले इससे पहले एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, ठीक है मैं नाम नहीं बोलूंगा उसका, बट मैंने वहाँ अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट किया, क्योंकि वहाँ पे मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं मिला। मार्केट में गया, काम करना शुरू किया, तो फिर जैसे पहले फ्रेशर था वैसे ही था सब कुछ। यहाँ आया, हम कंपोनेंट की नॉलेज, सर्किट की नॉलेज और आईसी के बारे में, आईसी का इनपुट आउटपुट और सारे सेक्शन मोबाइल के, तो अभी कोई भी फ़ोन हो हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फ्रेशर स्टूडेंट को अलग पढ़ाया जाता है और जो बिगनर हैं जो मतलब पहले से काम कर रहे हैं उनको कोई अलग पढ़ाया जाता है? नहीं सर, एक साथ सबको एक ही नॉलेज मिलता है और एक साथ सबको पढ़ाते हैं, और मैंने वीडियो देखे थे। सारे टीचर का सपोर्ट कैसा है? सर, सब बहुत अच्छा है सर, पूरा एकदम अच्छे से समझाते हैं। जो हमें नहीं आता वो हम पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं फ्रेशर था तो मुझे सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो मैं दोबारा से पूछ लेता था तो वो बताते थे, समझाते थे, मेरे को एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू सो मच। क्या बोला था से हूँ, और अगर आईसी अगर डीप नॉलेज लेना है, आईसी वर्क कैसे करती है, क्या उसके टाइमिंग है, कैसा एचडीसीएल में सब एससीएल एसडीए और एचडी
तो वो सब नॉलेज सर मैंने यहाँ पर सीखा है। मैंने उससे पहले भी एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का था, बट वहाँ पर कुछ नहीं बताया जाता था। तो यहाँ पे अगर सीखना है तो बहुत अच्छा है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। सचिन, नया अगर कोई आना चाहे ऐसे टेलीकॉम में, एक जैसे आप भी नए थे जब आए थे, अगर आना चाहे तो आप क्या बोलेंगे उसको? अगर किसी इंस्टीट्यूट में देखना है, सबसे पहले देखिए उसकी टेबल, टेबल में क्या क्या इक्विपमेंट रखे हुए हैं आपके लिए, आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना थोड़ा सा टेबल ही दिखा दीजिए, जैसा कि आपने टेबल बोला है। ईच में हमारे पास माइक्रोस्कोप है। ऐसा तो नहीं कि आप बाजू वाले का यूज कर? नहीं सर, हमारे पास ईच है, देखिए सर हर चीज ईच है, अलग अलग है सर। पीसीबी सर अपनी लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे से कोई पीसीबी हमें प्रोवाइड की जा रही है, हमारे पास अपनी पीसीबी है, हम अपने फॉल्ट अपना फाइंड करते हैं सर। हमको एक एक सेक्शन के बारे में बताते हैं कैसे किस सेक्शन को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद सर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ पे हर चीज़ प्रैक्टिकली बताया जाता है, ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी में बता दी, हर चीज़ प्रैक्टिकली। जो स्टेप बताएंगे हम लोग एमएमसी कोर्स के लिए आए हैं, जो स्टेप बताएंगे वो स्टेप प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। इवन मतलब ऐसा कुछ सोल्यूशन भी बताया सर हम लोगों की, मतलब ये नहीं कि प्राइवेसी हम करेंगे सिर्फ, ऐसा भी नहीं है। जो उनके पास सोल्यूशन है सब चीज़ सोल्यूशन हम लोग को बताते हैं। अब MI सीखेगा, MMC करप्ट है, बाजार में कोई नहीं कर रहा है, मिलन से हम लोग को बताएं कि हम लोग चेंज कर सकते हैं। MMC चेंज कैसे कर सकते हैं? सिर्फ विदाउट CPU का MMC, सिर्फ MMC MI सीखेगा, जो कि कहीं नहीं हो रही है। नेटवर्क के साथ बना सकते हैं ना उसको? यस सर, यस सर। तो नहीं है क्योंकि लोग नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं। नेटवर्क के साथ नेटवर्क भी आएगा ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। क्या खास लगा एशिया टेलीकॉम में? फुल प्रैक्टिकल मिलता है और थ्योरी भी मिलता है, दोनों मिलता है। और उसका जो मिलन साहब का सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया है, और इसलिए बढ़िया जो आने वाला है वो आ सकता है। एशिया टेलीकॉम इज परफेक्ट, क्योंकि हमने पहले से भी यूट्यूब में देख रखा था कि मतलब हम इंडियन सिखाएंगे पावर आई से कुछ में, इसमें मुझे बहुत डाउट होता था कि हाँ BPS चलाएंगे कहाँ, मतलब बैटरी कनेक्ट करी, चार्जिंग कनेक्ट करने का बहुत हमको मतलब करना प्रॉब्लम होता था। इसलिए हम लोग आपसे मतलब कॉल किए थे यहाँ पर बहुत दिन पहले, हमारा कॉल का जवाब भी नहीं ले रहा था, और यहाँ आने से हम जीरो से हीरो बन के जा रहे हैं। अच्छा, तो सोच के मिला वो जी? पूरा पूरा। चलिए, थैंक यू सर। यहाँ पे जो है कि मतलब कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में सिखाया जाता है, और मतलब कि जो सिखाते हैं वो हम भी करके मतलब प्रैक्टिकल करके और खुद का फोन ऑन करके प्रोग्रामिंग करके MMC में मतलब कि हर चीज़ सर बताए हैं मैडम सर। और क्या बोल रहे हैं कि मैडम सर इतने बेस्ट है कि मतलब कि हर चीज़ पूरी डिटेल नॉलेज से बताते हैं कि मतलब कि समझ में आ जाए। इन्होंने यहाँ पे किया तो क्यों कोई ज्वाइन करे एशिया टेलीकॉम बताइए सर। इधर प्रैक्टिकल के साथ बहुत सारी चीज़ें भी बताते हैं, कैसा करना है, क्या है, मतलब इधर अड़चन भी दे सब जगह, मतलब अभी उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। जो सोच के आया था मिला आपको सर? बहुत 100%। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे एक और स्टूडेंट है यश, ये भी हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर MMC पूरा कोर्स किया है यहाँ पे, कैसा रहा है, क्यों ज्वाइन करे एशिया टेलीकॉम बता रहे? मैं यश कुमार दलित छोटा गुजरात से हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि देव सर का पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, उनकी जो निंजा टेक्निक है वो ट्रेसिंग करने में बहुत आसान होता है। जो कि पूरा कोर्स किया है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर MMC, तो क्यों ही एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहता है, तो क्यों ज्वाइन करें? सर मेरा नाम सलीम, मैं कर्नाटक से हूँ सर। कोई भी ज्वाइन करना था, पूरी जानकारी के लिए जितना भी प्रैक्टिकल है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, MMC कोर्स है, सब कुछ प्रॉपर नॉलेज के लिए एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर सकता है सर। सब कुछ जो सोच के आया मिला? हाँ, बहुत कुछ मिला सर, जो सोच के आया उससे भी बढ़कर भी मिला सर हमको। तो सर उनसे अच्छा व्यवहार, सर उनसे प्यार मोहब्बत से बहुत अच्छा, उनका हाथ पकड़ के सिखाना, बोलना, करना बहुत अच्छा दिखा सर हमको, जैसा घर का फीलिंग है वैसे ही दिखा। और कोई बचा गया? क्यों ज्वाइन करें ये बताइए सर। देखिए, किसी भी रास्ते पर जाने के लिए उसका सही ज्ञान होना अनिवार्य है। बहुत छोटी सी बात मैं कहूँगा, अगर किसी भी कार्य को करना है उसका सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सही जानकारी, प्रॉपर जानकारी लेने के लिए बिल्कुल आए। टाइम पास अगर किसी को करना है, घर वालों का पैसा बर्बाद करना है, तो बिल्कुल यहाँ ना आए। अगर केवल यही है कि टारगेट ये बना लिया कि मेरे को यही करना और आगे बढ़ना है, तो बिना सोचे, बिना मन में डर लिए बिल्कुल आए, 100% सक्सेसफुल। जो एशिया टेलीकॉम में सबसे बेस्ट से वो जो ट्रेनिंग सिखाते हैं, इंस्टीट्यूट में बढ़िया सारा कुछ सिखाते हैं, जैसे कि हम मोबाइल रिपेयरिंग और ट्रैकिंग करना, और जो कंपोनेंट वगैरह की नॉलेज है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बेसिक नॉलेज किसी को पता नहीं होती इतनी, इतनी हमें ट्रैकिंग की नॉलेज पता होती है। इसीलिए प्रॉपर ज्ञान लेना है, एशिया टेलीकॉम में ज्ञान हो जाइए, और विश्वास के साथ कहता हूँ बिल्कुल सीखे जाए यहाँ पर। और जो भी अगर आना चाहता है बिल्कुल आइए, कुछ भी सोचिए मत,
मैं भी किसी से पूछी के आया था यहाँ पर कि ऐसे टेलीकॉम इंस्टीट्यूट कैसा है, उसने कहा बिना सोचे समझे वहाँ पर एडमिशन ले लें, तो वही सोच के मैंने एडमिशन ले लिया। जो सोच के ऐसे मिला आपको? बिल्कुल मिला। तो आप बताइए एशिया टेलीकॉम अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो क्यों ज्वाइन? ज्वाइन करना अभी सही है, उसे सीखना है और डीपली नॉलेज लेना है, लाइन का पूरा नॉलेज, जी आर है, वोल्टेज है, कहाँ कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, कितने जी आर मिलने चाहिए, वो सभी नॉलेज लेना है। तो एशिया टेलीकॉम से पूरे का पूरा नॉलेज मिलेगा, ऊपर से कोई नॉलेज नहीं है, पूरा डीपली नॉलेज है। जो सोच के ऐसे मिला आपको? उससे भी ऊपर मिला है सर, उससे भी ऊपर, जहाँ हम अटकते थे अभी कहीं नहीं अटकेंगे, जहाँ भी हम रुकने वाले हैं उससे आगे जाएंगे। मान लो कि वो तीन साल में ऐसा ही चार्जिंग मुझे पिन ऐसे लगा, मतलब ये काम किया हूँ यहाँ आने से, ये ताकि मतलब ये इमेंसी ये आईसी उतारना लगाना और इसकी मतलब फुल शॉर्टिंग सब मैं इसमें अब पकड़ लेता हूँ, मतलब इतना समझिए कि मैं जैसे मतलब नौ दिन में और तीन साल के अगर मैं डिवाइडेड करूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? ये नौ दिन का ये जो मैं बेस्ट। अच्छा नौ दिन में? अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता कि नौ दिन अगर मैं पहले से आ जाता तो अच्छा कुछ अच्छा नहीं हो जाता? मैं तो पहले ही से आना चाहता था लेकिन मेरा कॉल अटेंड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे बहुत ऐसे कॉल आते हैं तो ऐसा नहीं है कि कॉल सबका अटेंड हो, लेकिन यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं एमसी क्लास या मतलब ये सब मैं जो भी है सॉफ्टवेयर का मैं भाई के थ्रू मतलब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा आने वाले स्टूडेंट को लेकर क्या बोलना चाहोगे अगर एमसी की क्लास करना चाहे? एमएमसी क्लास या फुल क्लास प्रेशर भी हो हमारे यहाँ तो मतलब कहीं पर कहीं का भी हो अगर वो आना चाहता है तो एकदम पीजी आ सकता है, उसे मतलब पूरा नॉलेज यहाँ का मिल सकता है। आप ये बताओ कि यहाँ फीस दिए हैं आपने, कितना फीस दिए हैं यहाँ पर? 25। ऑनलाइन में 3000 रुपए में भी सिखा रहे हैं, ऑनलाइन में क्यों नहीं सीखे? ऑनलाइन में होता है कि प्रैक्टिकल थ्योरी सब अलग अलग होता है कि उसमें ऑनलाइन में सिर्फ देख सकते हैं कर नहीं सकते हैं, और यहाँ पे है कि एनएस के लिए सब साथ में है, हम छू के हम देख के पूरा मतलब ये ऑन बोर्ड था, ऑन बोर्ड का इसका मतलब पावर ऐसे निकाल के फिर से डाल दिया स्टार्ट हो गया, और यूएमसी का अभी एक रिवॉल्व करके दिया उसमें अभी वो भी चालू हो गया है। ठीक है, थैंक यू। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, यूपी से। तो आपका ये 10 दिन जो 9 दिन का क्लास है कैसा रहा था? 9 दिन का क्लास सर ये बहुत बेस्ट रहा, जो एमएमसी की इसमें आप मतलब मिलन सर जो हम लोग को सिखाए बहुत बेस्ट, और पूरा प्रोग्रामिंग वोग्रामिंग मतलब सब कुछ एमएमसी में हम लोग कर सकते हैं। एमएमसी कैसे मतलब कि स्क्रैच है कहाँ से है? अब ये बोल सकते हो कौन सी मोबाइल की एमएमसी चेंज होगा कौन सी किसी का नहीं होगा? जी जी, बिना आपको सारे फाइलों की जानकारी है? जी जी सर। कौन सा फाइल क्या काम करता है क्या है? जी सर। कोई से भी आप मोबाइल की एमएमसी चेंज कर लेंगे? जी सर। ठीक है, बहुत। मेरा नाम पेरुमल है सर, तमिलनाडु से। तमिलनाडु से बहुत दूर से मैं आपको से इतने दूर से आए हैं, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि एशिया टेलीकॉम क्यों ज्वाइन करें, किस लिए, क्या रीजन है? आप यहाँ पर आके कोर्स किए एमएमसी का कोर्स, अब अगर मैं दूसरे लोगों की बात करता हूँ कि दूसरे लोग क्यों ज्वाइन करना चाहेगा, क्या आपके आंसर क्या होना चाहिए? सर मैं सिंपल से बोलूँ तो मेरे को आने के लिए सर मैं और मेरा दोस्त दो जन आने वाले थे, तो एमएमसी के दोनों कोर्स निकालने वाले थे। अभी मैं आया मेरे को बहुत दिल बहुत खुश हो गया बताने के बाद। मैं पिछले पाँच साल से काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पर देखकर मोबाइल अनलॉकिंग करने का ऐसे सब काम सब करता था, लेकिन उसमें क्या होता है मोबाइल कभी कभी डेट हो जाता है, उसके बाद मेरे को सोल्यूशन नहीं मिलता, उसके बाद यूएफआई का प्रोग्रामिंग इसके बारे में कुछ जानकारी मुझे नहीं। अगर इधर आने के बाद आपका एक एक लेक्चर था एक एक टॉपिक के ऊपर एकदम मेरे को बहुत अच्छा लगा, और अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं कुछ काम करने के टाइम मोबाइल डेड हो भी गया तो भी मैं उसको रेडी कर दूँगा। और मेरा दोस्त को भी बोला, वो मेरे साथ में आने वाला था लेकिन उसको थोड़ा फैमिली का प्रॉब्लम था, इसके लिए अभी वही उसको मैं यही बोला था कि ये मुझे खाली मत लो सभी ले लो। ये आपका जो आप जो रिव्यू दे रहे हो पूरा भारत सुन रहा है ये? हाँ सर। है ना, अगर पूरे भारत में से अगर कोई भी अगर स्टूडेंट एमएमसी करने आना चाहे तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? सर मुझे एमएमसी का नॉलेज यहाँ पे क्या मिलेगा उसको? नया एमएमसी का इतना नॉलेज मिला है कि मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो मैंने लिया नहीं, इतना तो मुझे पता चल गया कि अगर सब कुछ ले लेगा तो बेस्ट है। ओके ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पे और एक स्टूडेंट है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?